सो फ्रेंड्स, फाइनली आ चुकी है आपके सामने एक और जोन से पैनल लिस्ट। और दोस्तों, ये जो पैनल लिस्ट आई है, आप कह सकते हैं कि अभी तक जितनी भी पैनल लिस्ट आई है, सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है वो इसी के पैनल लिस्ट में हुआ है। अप्रोक्सीमेटली 700+ कैंडिडेट्स का सिलेक्शन इस पैनल लिस्ट में है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस इन सभी कैंडिडेट्स को। और आप सभी को पता है कि पैनल लिस्ट के बाद का जो आगे का प्रोसेस है वो है ज्वाइनिंग, वो भी डायरेक्ट ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग लेटर आपके घर पर आएगा या हो सकता है कि ईमेल के द्वारा आए। दोस्तों, बातें कम करते हैं, ऑफिशियल साइट पर चलते हैं। बस ऑफिशियल साइट पर चलने से पहले मेरी आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आपका भाई भी इतनी मेहनत कर रहा है। दोस्तों, अभी तक अगर आप इस चैनल से जुड़े नहीं हो और अगर इसका हिस्सा नहीं हो तो प्लीज़ जो रेड बटन है, सब्सक्राइब का बटन दबाए और चैनल का हिस्सा बने, इससे जुड़े। चलो, बातें बहुत हो गई, अब फटाफट RRB सिकंदराबाद की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं ऊपर अपन RRB सिकंदराबाद की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, अपन नीचे चलते हैं और जो नोटिफिकेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। और नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना है अपने को। और दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर Part 3 17/1/2020 CEN अपना जो एडवर्टीजमेंट नंबर था JEE DMS CMA फाइनल रिजल्ट Part 3 फॉर द पोस्ट ऑफ JEE DMS, इसे क्लिक करते हैं और जो नोटिफिकेशन है उसे अपन डाउनलोड कर लेते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा और नीचे चलते हैं अपन, नोटिफिकेशन ये देखिए दोस्तों, फाइनल रिजल्ट, ये अपना जो नोटिफिकेशन है ये डाउनलोड हो रहा है, ये डाउनलोड हो चुका है। अपन पढ़ लेते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, फाइनल रिजल्ट Part 3 आप देख सकते हैं, ये उन सभी कैंडिडेट्स के लिए, स्पेशली जो अपनी होप छोड़ देते हैं, जैसे पैनल Part 1 आ जाता है, सेकंड आ जाता है, वो सोचते हैं कि नहीं, जो हमारी जर्नी है वो यही एंड हो गई है। दोस्तों, बट ऐसा नहीं है। अगर आपने मेहनत की है, वो भी राइट डायरेक्शन में की है, तो दोस्तों उसका आउटपुट निकल के आता है। दोस्तों, जब भी आप ये देखेंगे, इस पर लिखा हुआ है कि ये प्रोविजनल पैनल है, वो भी Part 3, हो सकता है इसके बाद फाइनल रिजल्ट या मॉडिफाई करके। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका मेडिकल अभी तक प्रॉपर नहीं गया है या DV में रुक गए हैं, तो दोस्तों उनका भी नाम इसमें लिस्ट में शामिल होके आ सकता है। अब यहाँ पर फ़ोन नंबर, वेबसाइट देख सकते हैं आप, ईमेल, अगर आपके कुछ भी डाउट्स हो इससे रिलेवेंट तो आप इस पर कीजिए। बाकायदा जो RRB सिकंदराबाद की जो फैकल्टी है, आप कह सकते हैं वहाँ के जो मेंबर्स हैं अपर हायरार्की के, वो भी आपको फीडबैक देंगे। बट रिलेवेंट होना चाहिए, ये नहीं कि सर आप हमें बताएं कि NTPC का एग्ज़ाम कब होगा, Group D का एग्ज़ाम कब होगा। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन नहीं, ठीक है। और यहाँ पर फैक्ट्स भी देख सकते हैं। अब अपन देखते हैं यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है, फर्दर टू दिस ऑफिस फाइनल रिजल्ट Part 2 डेटेड। इन्होंने बताया कि जो Part 2 था वो हमने 20 दिसंबर 2019 को पब्लिश किया था। उसके बाद भी कुछ कैंडिडेट्स का वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट हुआ, तो उन्होंने उसके आधार पर जो पूरे के पूरे 744 कैंडिडेट्स का हु वर ऑल्सो प्रोविजनली सेलेक्टेड फॉर रिकमेंडेड फॉर अपॉइंटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट कैटेगरी, अपन देख सकते हैं। इसके बाद भी Part 2 आया, तो उसके बाद भी 744 कैंडिडेट्स का नाम इस पैनलिस्ट में जारी किया गया है। फिर सेकंड में, कैंडिडेचर फॉर अबव कैंडिडेट्स प्योरली प्रोविजनल। दोस्तों, जैसे ही मैंने आपको शुरुआत की थी तो मैंने बताया आपको कि जो फाइनल रिजल्ट लिखा हुआ है ये प्रोविजनली है, ये जो पैनल लिस्ट आती है प्रोविजनल होता है, हो सकता है इसमें और कुछ कैंडिडेट्स का नाम जोड़ा जा सके। तो आप ये मत सोचिए कि जिस कैंडिडेट्स का नाम इसमें नहीं आया कि वो अगले पैनल में भी नहीं आएगा। हो सकता है अगर आपने पेपर बहुत अच्छे से दिया हो, आपने पूरे मन लगा के पढ़ाई की हो, तो हो सकता है कि आपका नाम इसमें आ सकता है। थर्ड, इसमें द रिजल्ट इज़ प्योरली प्रोविजनल इफ़ एनी केसेस कैंडिडेट्स इज़ फाउंड। हाँ दोस्तों, थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है कि अगर किसी कैंडिडेट्स ने, ये जो लिस्ट आई है ये प्रोविजनली है, अगर कोई सा कैंडिडेट्स ऐसे कि फ्रॉड में पाया जाता है, फ्रॉड इन द सेंस जब आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है, जब आपका अटेस्टेशन फॉर्म भरवाते हैं तो पुलिस वेरिफिकेशन में जब आप अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में हो, अगर आपके ऊपर कोई केस चल रहा हो, तो इसमें होता क्या है दोस्तों कि जब अगर जॉब आप ज्वाइन भी कर चुके हो तो दोस्तों आपको वहाँ से उस पद से रिजेक्ट कर दिया जाता है। और उसकी जगह फ़ायदा किन का होता है, वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट्स वालों का, फिर उनको मौका दिया जाता है आपकी जगह। तो दोस्तों, जब भी आप फॉर्म भरें वेटिंग, स्पेशली जब पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म होता है, वो आपके आसपास जितने भी रहते हैं पूछताछ करते हैं कि कैंडिडेट्स का कैसा कैरेक्टर है, इनके ऊपर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी चल रही है नहीं, तो इसके राइट्स RRB के पास रहते हैं। आप ऐसा ना सोचे कि मैं कुछ भी लिख दूंगा और फिर आगे जाँच नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड। जो एक्यूरेट है वो डालिए, बिल्कुल अगर आपने मेहनत की हो तो आप बिल्कुल आगे जर्नी में कंटिन्यू रहेंगे। फिर आगे थोड़ा सा और देखते हैं अपन, फोर्थ में लिखा हुआ है,
ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट विल बी इशूड द अथॉरिटी ऑफ। दोस्तों अब आपके आरआरबी का काम हो गया है, जोन में आ गया, अब आपके जो डिवीज़न का काम है वो स्टार्ट हो चुका है। आप जिस भी डिवीज़न में अलॉट करोगे वहाँ से आपके लिए जो जॉइनिंग लेटर है ईमेल के द्वारा या पोस्ट के द्वारा भेज दिया जाएगा। फिफ्थ में, फॉर ईच ऑफ द नोटिफाइड पोस्ट द रोल नंबर इज ऑफ द कैंडिडेट फिगर इज प्रोविजनली पैनल आर अरेंज हॉरिजॉन। इसमें जितने भी कैंडिडेट्स का नाम है ऐसा नहीं कि वो मेरिट वाइज अरेंज है, ये हॉरिजॉन्टली रैंडमली अरेंज है यहाँ पर। सिक्स, कैंडिडेट्स आर एडवाइजली, सभी कैंडिडेट्स से इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आप आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहे टाइम टू टाइम, क्योंकि ऑफिशियल जो भी अपडेट है वो वहीं आएगी, कहीं दूसरी जगह नहीं आएगी। फिर वार्निंग लिखा हुआ है, वार्निंग में क्या है कि प्लीज़ जो भी आप अवेयर रहें, जो टॉन्ट्स है, जो फ्रॉड है, जो होते रहते हैं उसे बचें, और हमेशा जो ट्रू है, जो सत्य है, उसका साथ दें आप। अगर ऐसा आपको लगता है कि कोई आपको फ्रॉड और ऐसे कुछ टॉर्चर या टॉन्ट कर रहा है, फंसाने की कोशिश कर रहा है, तो आप रेलवे की जो हेल्पलाइन नंबर है गूगल पर सर्च करें और वहाँ पर कॉल करके उन्हें इन्फॉर्म करें, वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं आप रेलवे UPECOR, आप देख सकते हैं सिकंदराबाद जो कैटेगरी है, कैटेगरी किस कैटेगरी के अंतर्गत किनका सिलेक्शन हुआ है, कैंडिडेट्स के रोल नंबर यहाँ पे मेंशन है। कैटेगरी नंबर टू आप देख सकते हो, बहुत सारे दोस्तों अलग अलग कैटेगरी दे रखी है सिकंदराबाद जोन से, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और अप्रॉक्सीमेटली 744 कैंडिडेट्स का नाम इसमें है, आप देख सकते हैं ये 744 कैंडिडेट्स, डेट भी और चेयरपर्सन। दोस्तों मैं पूरा एक एक रोल नंबर तो नहीं लेके बता सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबा खींचा जाएगा कि ये जो 2838 ये कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो गया है, बट हमारी पूरी टीम की तरफ से मिलकर दोस्तों आप सभी जितने भी कैंडिडेट्स हैं 744, वो जो जर्नी है आपकी वो स्टार्ट है, आपने जो मेहनत कर रहे हैं उसका आउटपुट दिख रहा है। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन हमारी पूरी टीम की साइड से। दोस्तों अगर आपका नाम इस लिस्ट में हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और आपके जितने भी डाउट्स हो, कुछ क्यूरीज हो, किसी से भी रिलेवेंट, मैं रेलवे से ही नहीं बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम एज़ सून एज़ पॉसिबल उसे फीडबैक देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए, तो आप सभी को पता है कि क्या करना है, आपका भाई भी बहुत मेहनत कर रहा है यार आप सभी के लिए, तो आप भी उसका आउटपुट दीजिए। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए कि सभी के पास ये पहुँच सके, ये जो इन्फॉर्मेशन है 744 कैंडिडेट्स की, जो मात्र एक पड़ाव दूर है सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज हैं, तो सभी को पता चले उस बारे में। दोस्तों तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, तो थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना खुद का ध्यान रखें, मेहनत करते हैं, मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में।